आंदोलन किए उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी और अब जब हम सरकार में हैं, 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी लेकिन कार्रवाई हुई नहीं, इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होगी। जहाँ तक देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है और हम लगातार उनको उनकी आलोचना भी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास करके भाजपा को वहां से बाहर सत्ता के बाहर कर देगी। जहां जहां वो शासन कर रहे हैं वहां मैं खुद कई मरतबा गया हूँ, भाजपा शासित प्रदेशों में वहां जाकर अपनी बात को रखा है और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी हम गए हैं हमने भाजपा के करप्शन को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया और इसी काम को हम राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी की जिम्मेदार है। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले उस पर कार्रवाई हुई नहीं इसको लेकर आज हमने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि करप्शन के विरुद्ध भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है, इसको लेकर अनशन किया और मैं समझता हूँ देश में हमारी जो मुहिम है करप्शन की खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उसका समर्थन किया, उन सबका मैं आभारी। सचिन जी आपका अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाता है, 12 घंटे पहले ऐलान किया गया, राहुल गांधी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को क्या कहेंगे? राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस ने तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई इस मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर, आर्थिक जो गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है। भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ जो हमने कई मरतबा अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप खड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद दो बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई मैंने और मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को, आम तौर पर जवाब आ जाता था लेकिन इन दो पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में तमाम गड़बड़ घोटाले हुए।